हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी सूचना देने वाला हूँ कि देखिए, अभी SSC GT का फॉर्म डला रहा है तो बहुत कोई का रजिस्ट्रेशन गलती होगा, तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन गलती होगा तो बहुत कोई चाहते हैं कि उसको हम सुधारें, क्योंकि सेम डिटेल दीजिएगा दोबारा, अगर ईमेल आईडी चेंज कीजिएगा, मोबाइल नंबर चेंज कीजिएगा, तो वो आपको मतलब बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन से हो चुका है, नहीं होगा। मेरा बात सुनिए, सबसे पहला बात है ना, सबको यूट्यूब में सर्च करेंगे कि रजिस्ट्रेशन को कैसे क्या किया जाए, उसका सॉल्व किया है, तो सबसे पहले लिखिएगा रजिस्ट्रेशन में गलती होगी कैसे सुधारें। एक बंदा देखिएगा जिसका 9.63 लाख सब्सक्राइबर है, ज्वाइन इंडियन आर्मी उसका है, उसको देखिएगा 1 ईयर पहले एक वीडियो है, ठीक है, 1 ईयर पहले वीडियो डाला है, तो रजिस्ट्रेशन में गलती होगी कैसे सुधारें देखिएगा ना, उसी का आएगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी का। उसने क्या कहा है कि किसी का अगर रजिस्ट्रेशन गलती हो गया तो आप लोग नंबर सुधारिए, ईमेल आईडी सुधारिए। और उसने एक SSC GT का कैंडिडेट का पता नहीं, कैंडिडेट है कि हमको तो नहीं पता, वो भी बोलता है कि हम लोग SSC से संपर्क कर लिए हैं, हम लोग बात कर लिए हैं, जो इंडियन आर्मी वाला बोलता है कि SSC से बात कर लिए, तो आप लोग कुछ ये नंबर में 10 से 5 बजे फ़ोन कीजिएगा, हम लोग आपको सॉल्व करके देंगे, मतलब उन लोग SSC से बात किया है। तो एक बात बोले हम आपको, भले कुछ भी लगे, सबसे पहला बात मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, उसका 9 लाख सब्सक्राइबर है जो इंडियन आर्मी का, मेरा 1,000 भी नहीं है, ठीक ना। लेकिन देख भाई, एक बात सुन ले, मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब कुछ भी डाल दो। भले तेरा 9.63 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहा है, तो भाई कुछ भी हो, तुम उसमें 3-4 लाख व्यूज तो बटोर चुके हो, ठीक है, और SSC GT वाला भी 3-4 लाख हो गया है। हम बोल रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर गलती भी हो गया है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी तो मिला होगा, पासवर्ड तो मिला होगा, आपने क्रिएट किया होगा। मैं तो ये वीडियो में बाद में बताऊँगा, सबसे पहले मैं चैलेंज कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी 9.63 लाख उसका सब्सक्राइबर है, उसको मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमको, मैं बोल रहा हूँ, तुम जितना भी कोई का रजिस्ट्रेशन करके दे, मतलब तुम बोल मुझे हर सब चीज़ गलती करके दे, तुम रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ गलती करके दे, तो कुछ भी गलती करके दे मुझे रजिस्ट्रेशन टाइम में, और बस मुझे जब जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा उसका रजिस्ट्रेशन आईडी देना, उसका पासवर्ड देना, मैं बताता रहूँ, अगर मैं अगर सुधार कर नहीं दिया ना, मैं दोबारा कभी यूट्यूब में दिखूंगा नहीं। ये मेरा चैलेंज नहीं है, एक तरह चैलेंज में चैलेंज नहीं है मेरा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, किसी को भी, कोई भी बंदा को, भले सबसे पहले तो गांव देहात का बंदा यही ट्राई करेगा ना कि मेरा कैसे, मैं कैसे करके बढ़िया करूँगा उसको। अभी कितना बज रहा है दोस्तों, पता है, रात का, अभी रात का 10:27 हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ किसी के साथ ये एनालिसिस होगा तब ना वो चीज़ बताएगा। तो अगर आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे व्यूज़ व्यूज़ का कुछ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बस कमेंट का बात कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, लेकिन अगर आप लोग मानते हैं इस बात को, तो बस आपको कोई एक कोई को शेयर करना है, एक कोई को शेयर करना है, और 10 से ज़्यादा कमेंट कीजिए, 10 से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप, ठीक है, मैं उसको प्रीवियस रजिस्ट्रेशन भी उसका दिखाऊंगा, और रजिस्ट्रेशन सुधार के बाद भी दिखाऊंगा कि उसका क्या था और क्या नहीं था। आप 10+ कमेंट कीजिए, और मैं तो, अगर आपको लगता है कि आपको अगर डाउट है इस सेशन में, तो मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग भी SSC का रजिस्ट्रेशन गलत करके मुझे दीजिए, बस मुझे आईडी और पासवर्ड दीजिए, ठीक है, उतना दीजिए, मैं आपको करके दूंगा, मैं आपको फ़ोन से खुद बात करूंगा, आप लोग करके दीजिए, इसीलिए 15 कोई के भाव का मत आइए। सबसे पहला बात तो यह है कि सबको तुम पैसा सेंड करोगे, फिर कुछ देर बाद वो कर देगा, करके भेज देगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती हुआ है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, गांव हुआ, नाम हुआ, रोल नंबर हुआ, कुछ भी गलती, लेकिन बस आपने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया हो कम्प्लीट, बस आपका रजिस्ट्रेशन गलती किया हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करूँगा, और मैं पर्सनल सुधारूँगा, सब चीज़ सुधारूँगा, प्लस लास्ट में जो जाएगा ना आपको मोबाइल में और ईमेल में, बस वो OTP आपको बताना है। अगर आपका चेंज नहीं होगा SSC का, मैं देखिए ये 15 तरह का नहीं फेंकता हूँ कि नहीं अब हमने SSC के से बात किया है, वो किया है, देखिए आज तक मैं बस वैकेंसी का बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अगर सही कर रहा हूँ, तो बस आप लोग एक कोई को शेयर कर, कोई भी देख रहा है मेरा वीडियो, देखिए मेरा, मुझे वो
सेंस नहीं है कि क्या है क्या। मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ और सही में बता रहा हूँ, समझ रहे ना। ऐसा बात नहीं है कि मैं किसी का फॉर्म नहीं डालता हूँ, समझ रहे हैं। फॉर्म मैं वो वोट डालता हूँ, सबको डालता हूँ, समझ रहे हैं। आपको तो पता नहीं होगा एसएससी एमटीएस में, पता नहीं मैंने कितना कोई का फॉर्म डाला था, एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस ये सब मैं वोट डालता हूँ। अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी जो जॉइन इंडियन आर्मी का जो है ना, उसको बोल दीजिएगा कि तुम 10 लड़कियों का फॉर्म दे, या फिर 15 एसएससी जीडी लड़का, एसएससी जीडी वाले जो लड़के हैं उनका फॉर्म दीजिए, दे दीजिए मुझे, मैं भर के आपको दे दूंगा, फ्री भर के दूंगा, पैसा कुछ तो फ्री में भर के दूंगा। लेकिन आपने जो कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया कीजिए, कैसे होता है क्या होता है वो सब पता है, सब चीज़ें। मैं भले आपको वीडियो अभी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ का वीडियो, क्योंकि मेन बात यह है कि वीडियो के देखिए, मैं कुछ भी चीज़ में वीडियो का सिस्टम हुआ, ये हुआ, मतलब देखिए उसमें एक समय लगता है, सब चीज़ में बहुत समय लगता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको लोग कोई को किसी को भी लड़का को लड़की को किसी को भी लगता है मैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद अगर हम वीडियो आपको ला के अगर दिखा दिए, आप ही दीजिएगा, आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन दीजिएगा, खुद का रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है वो दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप जो एडिट कीजिएगा वो अगर गलत रहा, तो फिर वो जिम्मेदारी आप जो बोलेगा मैं वो कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन दीजिए बस।